नमस्कार न्यूज ऑन एशियन देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ रश्मि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी ने यूपी विधानसभा चुनाव में लड़ने का फैसला लिया है बता दें कि जतिन राम मांझी की तरफ से ये ऐलान किया गया है जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगले साल यानी कि 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो अपने प्रत्याशी को खड़ा करेंगे यानी कि लगातार जहां एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने यूपी में चुनाव लड़ने का फैसला लिया गठबंधन में रहने के बावजूद यूपी में अलग से चुनाव लड़ते हुए मुकेश सहनी नजर आ रहे तो वहीं दूसरी तरफ अब ये कदम जितिन राम मांझी की तरफ से भी उठाया गया है बता

राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी ने गुरुवार को वाल्मिकी नगर में पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस बात की घोषणा की है उन्होंने कहा है कि यूपी चुनाव में पार्टी के कितने उम्मीदवार होंगे यह आगे घोषित किया जाएगा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जतन राम मांझी ने कहा है कि अनुसूचित जनजाति दलितों और महादलितों को सरकार द्वारा दी गई जमीन का अभी तक पर्चा नहीं कटा है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा इसके लिए आंदोलन करेगी और दलितों वंचितों और गरीबों को उनका जमीन दिलवा कर रहेगी तो अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए ये फैसला जतिन राम मांझी की तरफ से लिया गया है इतना ही नहीं यूपी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी आखिर कौन होंगे किसे जतिन राम मांझी चुनाव में उतारेंगे इसका फैसला भी जतिन राम मांझी की तरफ से जल्द ही कर लिया जाएगा बता दें कि जतिन राम मांझी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि दलितों और वंचितों के लिए वो आंदोलन करेंगे उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे और उनके लिए जितने भी काम नहीं करवाए गए हैं उन सभी का समर्थन उनकी तरफ से किया जाएगा सरकार से वो मांग की जाएगी और यही वजह में चुनाव लड़ने का फैसला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जतन राम मांझी की तरफ से किया गया है यानी कि बिहार में भले ही जतन राम मांझी गठबंधन में हो सीएम नीतीश कुमार के साथ हो लेकिन यूपी में अलग से चुनाव लड़ने का फैसला उनकी तरफ से लिया गया है बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी बढ़ कर हिस्सा लेती हुई नजर आ रही है तो वो बिहार की पार्टियां हैं चाहे हम मुकेश सहनी की बात करें या फिर अब राम मांझी भी सामने आकर कह रहे हैं कि वो वो यूपी यूपी में 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 चुनाव चुनाव लड़ेंगे ऐसे में यूपी की चुनाव की जो रणनीति है है राजनीति अब बिहार में साफ देखने को मिल रही और इसका असर भी बिहार में दिखता हुआ नजर आ रहा है देखने वाली बात होती है कि अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव में कितनी पार्टियां एक दूसरे का आमना सामना करती हुई नजर आती है और बिहार से जिस तरह से जतन राम ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, दलितों के हक में लड़ने का फैसला लिया है ये फैसला उनका यूपी विधानसभा चुनाव में कितना असर करता है ये तमाम बातें देखनी बेहद दिलचस्प होगी फिलहाल के इतना ही ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर्मेशन के साथ नमस्कार